नमस्ते दोस्तों, जेस्टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त हरजीत सिंह चौहान। आज की ये राजस्थान डेयरी और पशुपालन पर आधारित टॉप 10 क्विज है, जिसका भाग 11 है। ये क्विज है जो डेडिकेटेड है पशुपालन वालों को और राजस्थान डेयरी वालों को, जो इससे रिलेटेड जो भर्ती आती है उनके लिए, क्योंकि स्पेशली उनके इसमें क्वेश्चन कवर्ड होते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान लेवल के क्वेश्चन है वो भी इसमें कवर्ड होते हैं, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं आप। तो आइए शुरू कर लेते हैं हम इसकी टॉप 10 क्विज को, है ना, राजस्थान डेयरी की जो भाग 11 है। चलिए, ये रहा स्क्रीन पर आपका इसका पहला क्वेश्चन। राजस्थान में सूरती नस्ल की भैंस अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या भरतपुर में? सूरती नस्ल की भैंस अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है उदयपुर के अंदर ये सूरती नस्ल की भैंस ज्यादातर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम। भारत के कुल पशुधन का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? 9.58%, 10.58%, 11.58% या 12.58%? कितने प्रतिशत है जो भाग राजस्थान में पाया जाता है भारत के कुल पशुधन का? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 10.58% कुल पशुधन राजस्थान में मिलता है भारत का। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। पूंगला नस्ल की भेड़ किस जिले में मिलती है? जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर जोधपुर या जैसलमेर जालौर? कहां पे मिलती है पूंगला नस्ल की भेड़? आपका 5 सेकंड का समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन के ऊपर। जैसलमेर बीकानेर के अंदर पूंगला नस्ल की भेड़ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं हम। प्रदेश का पहला मत्स्य अभ्यारण्य बनाया जाएगा, कहां पर बनाया जाएगा आप, ये कहां पे खुलने वाला है? जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर या उदयपुर के अंदर? कहां पे ये है प्रस्तावित है? चलिए दोस्तों, आपका टाइम खत्म होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर मत्स्य अभ्यारण्य बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। दूध में पाए जाने वाले प्रमुख अवयवों की औसत मात्रा में लैक्टोज का प्रतिशत कितना होता है? 3%, 4.70%, 3.75% या 0.40%? जल्दी से बताएं लैक्टोज का कितना प्रतिशत होता है। चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 4.70%। और आज का क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं हम। गधे की सवारी के रूप में पूजनीय माता है, भाई गधे की सवारी कौन सी जो माता जी है उनको सवारी के रूप में वो उनकी सवारी रहती है? दधी माता, दधीमती माता, गेवर माता, शीतला माता, आवरी माता? इनमें से किस माता की सवारी गधा है? जल्दी से ले लेते हैं इसका सही उत्तर, जल्दी बता दीजिए। चलिए, मैं बताने जा रहा हूँ इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है शीतला माता की सवारी गधा है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। निजी क्षेत्र में राज्य का पहला पशु विज्ञान एवं चिकित्सा महाविद्यालय अपोलो कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर? कहाँ पे है ये महाविद्यालय? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। ये विद्यालय खुला है आपके जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं हम। पशुपालन विभाग के अशु प्रजनन केंद्र में से कौन सा एक गलत है? बिलाड़ा जोधपुर, मनोर थाना झालावाड़, नीम का थाना सीकर, बाली पाली? कौन सी एक जगह जो गलत है जो पशुपालन प्रजनन केंद्र में नहीं आती है अशु प्रजनन केंद्र में? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन के ऊपर। नीम का थाना सीकर जगह है जो अशु प्रजनन केंद्र में नहीं आती है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं हम। राज्य में न्यूनतम ऊंट वाला जिल्ला कौन सा है? कहाँ सबसे, मतलब जो न्यूनतम ऊंट है, एक इसमें गलत दे रखा है, बाकी 3 सही दे रखे, तो आपको गलत को पकड़ना है। झालावाड़, धौलपुर, बारा, प्रतापगढ़, इसमें से कौन सा एक जिला है जहाँ पे कम ऊंट है? तो वो एक गलत दे रखा है आपको। चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है प्रतापगढ़ वे जिला है जहाँ पर न्यूनतम ऊंट की जो बात कही जा रही है वो गलत है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। राज्य में किसके द्वारा पशु गणना संपादित की जाती है? कौन करता है पशु गणना? राजस्व मंडल जयपुर, राजस्व मंडल अजमेर,
राजस्व मंडल बीकानेर, राजस्व मंडल जोधपुर। कौन करता है पशु गणना, कौन करवाता है? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशु गणना की जाती है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि पशु गणना कब कब होती है। तो दोस्तों, आज का शो यहीं खत्म होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो आपने जो अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।